सैयद मुनवर अली जूनियर हाई स्कूल सौथा बदायूं में छात्र छात्राओं के फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। जी हां, इसमें बच्चों ने शैक्षिक प्रेरणादायक नाटक एकांकी प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विशेषकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, सोशल मीडिया का युवा पीढ़ी पर पड़ रहे दुष्प्रभाव का संजीव प्रस्तुतिकरण किया गया और आह्वान किया गया कि युवा सोशल मीडिया के आदि ना बने बल्कि इस पर नष्ट होने वाले समय का सदुपयोग सामाजिक कार्यों में करें। छात्र छात्राओं के उपस्थित अभिभावकों अध्यापक अतिथियों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधक सैयद तनवीर अली ने कहा कि व्यक्ति के विकास का सबसे बड़ा माध्यम गुणवत्ता परक शिक्षा है। जो बच्चे विद्यालय में पास आउट करके जा रहे हैं वो आगे की शिक्षा को लक्ष्य बनाकर ग्रहण करें और बनाए हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए सतत प्रयास करें और अपने जीवन को कामयाब व्यक्ति बने। उन्होंने सफल कार्यक्रम में के लिए विधायक स्टाफ को बधाई भी दी। कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिवक्ता अब्बाद अहमद, वरिष्ठ समाजसेवी सलमान अहमद ने भी संबोधित किया। अंत में जूनियर्स ने सीनियर्स को भावभीनी विदाई उपहार देकर दी। इस अवसर पर सरवर अली प्रधानाचार्य, सगुफ्ता खातून, फरोजा खातून, रिफत फातिमा, मुताहिर अली जिलानी, तमीम अली, आभा वर्मा, आरिफ रसीद उपस्थित रहे। बच्चों की विदाई समारोह है, आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ जो ये जाएं बहुत अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई को ज़्यादा समय दें और अपनी जो इनके पसंद के विषय हैं उनको पढ़ें। ये किसी दबाव में ना आए, जो विषय इनको अच्छे लगते हों, जिनमें लगे में हमारे नंबर अच्छे होंगे वो पढ़ें। किसी की दबाव में ये कैसा हमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी, नहीं, जो जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता हो उसमें खूब ध्यान दें और पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। बच्चों ने जो आज कार्यक्रम दिखाया उस बच्चों के लिए क्या? बहुत बहुत अच्छे, बड़ी मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं ये लोग। बहुत अच्छे प्रोग्राम इन्होंने पेश किए, जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है। ये चूंकि जूनियर हाई स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, लेकिन लगता इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का मुकाबला इन्होंने किया। बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश किए, मैं बहुत इनको बधाई देना चाहता हूँ और आगे अच्छे ही प्रोग्राम पेश करें। आज क्लास 6-7 में जो क्लास 8 को पास करा है बच्चों ने, उन्हें फेयरवेल पार्टी दी। आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं बच्चों के लिए? संदेश ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रोल जो है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन जो गरीब होती है बच्चे की, उसे हासिल करना हर बच्चे का मौलिक अधिकार भी है, नैतिक अधिकार भी है। और बच्चे यहाँ से जब ही कक्षा 8 पास करके जो बच्चे जा रहे हैं, वो बच्चे जाके 9वीं क्लास में जाके ज़रूर एडमिशन ले और चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी आए या कितनी भी रुकावट हो, एजुकेशन को, शिक्षा को हासिल करने से ना रुकें बल्कि उसको अपना जीवन का